दोस्तों ये बिड़े को अभी मुसीबत से बाहर कैसे निकालेंगे? हाँ एक मिनट जरा, मैं अपने ऑफिस में फोन तो कर दूंगा, आज नहीं आ पाऊंगा। मैं भी कर देता है। अरे हाँ, मैं भी नटू ककर बागा को बोल देता हूँ कि भाई मैं भी दुकान नहीं पहुँच पाऊंगा आज। मैं भी गैरेज में अपने बंदों को फोन करके बोल देता हूँ, आज गैरेज वही संभाल लें। यस सर। मैं आज नहीं आ पाऊंगा। हाँ तो आप दोनों जरा दुकान संभाल लेना। ओके हाँ ठीक है। देखिए मैं अपना क्लिनिक तो नहीं बंद कर सकता। अरे नहीं नहीं अतिबा, वो तो बराबर है, आप थोड़ी बंद कर सकते हैं दवाखाना। मैं मुझे किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑन ड्यूटी हूँ। ये केस ही है और मैं उस धनराज के खिलाफ तूफान एक्सप्रेस में जरूर लिखूंगा। और जरूर लिखना और उसकी धजियां उड़ा देना। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हमारा एक ही मिशन है, भिड़े की सम्मान के साथ आजादी। सही बात है। हाँ मेहता साहब, मैंने मिशन का नाम भी सोच लिया है, भिड़े छुड़ाओ मिशन। हाँ तो चलो चलो एक काम करते हैं, नाके पर चाय की टपरी पे बैठ कर शांति से सोचते हैं कि भिड़े को कैसे छुड़ाए। इसके लिए टपरी तक जाने की क्या जरूरत है जेठालाल, मेरा घर है ना, हम लोग वहीं बैठ जाते हैं। मेहता साहब वो घर पे अंजलि भाभी हो बर्बल टी पिलाते ना, उसमें दिमाग बंद हो जाता है। सॉरी जेठालाल, हमको आज बार हमका टेंशन है और हमको चाय पीना है। अरे वो ठीक है भाई, चलो ना, मैं तो सबके घर पे बैठता हूँ, उसमें क्या मुझे कुछ ऐसा नहीं है। चलो सैटरडे संडे कोर्ट बंद है, अगर सोमवार को भी बेल नहीं मिली तो। अरे पोपटलाल तुम हमेशा नकारात्मक बातें क्यों करते हो? और मैं तो कहता हूँ सोमवार तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास ये जो दो दिन है उसी में हम कुछ ऐसा करें कि सोमवार को कोर्ट में जाने की जरूरत ही ना पड़े। राइट जनरल, अगर जो हम आत्माराम को इनोसेंट साबित कर देंगे तो इंस्पेक्टर पांडे उनको चौड़ देंगे। तो आओ दोस्तों, हम कसम खाते हैं कि सोमवार को कोर्ट खुलने से पहले 48 घंटे के अंदर अंदर हम भिड़े को बेकसूर साबित करके छुड़वा लेंगे। अरे आओ। हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी, कम शिक्षक कम हमारे परम मित्र, कम शिक्षक कम हमारे परम मित्र श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े को, श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े को 48 घंटे के अंदर अंदर बेकसूर साबित करके, 48 घंटे के अंदर बेकसूर साबित करके पूरे सम्मान के साथ उसे छुड़वा लेंगे, पूरे सम्मान के साथ छुड़वा लेंगे। भारत माता की जय। कदम गा के तो हो गया, अभी अभी क्या मुखवास चाहिए? नहीं नहीं जेठालाल, मेरा कहने का मतलब है तुमने तो बोल दिया कि ऐसा कुछ करते हैं जिससे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़े, तो फिर वो ऐसा क्या करना है? एक काम कर सकते कि अगर हम धनराज से ये कबूल करा लें कि उसने भिड़े मास्टर के ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया है, तो हमें कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भिड़े मास्टर को पुलिस स्टेशन से ही छुड़ा सकते हैं, क्यों? सही बात है कि नहीं? हाथी भाई ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर बस ये साबित हो जाए कि धनराज झूठा है तो भिड़े पक्का छूट जाएगा। ओए उस धनराज से तो सच मैं उगलवाऊंगा, उसको ऐसा धोऊंगा कि उसके बाद वो कभी झूठ ही नहीं बोलेगा, और पीड़ू को अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में ओए उसको एकदम मान सम्मान के साथ हम पुलिस स्टेशन से छुड़ाकर अपने गोकुलधाम सोसाइटी में स्वागत करेंगे। आराम से शांत हो जाओ दोस्त, अभी जोश से नहीं, हमें होश से सोचना है। होश के साथ जोश भी तो चाहिए यार। लेकिन एक बात तो क्लियर है दोस्तों, धनराज झूठ बोल रहा है कि उसने भिड़े को बैग नहीं दी। हाँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है वो झूठ क्यों बोल रहा है, पर उसकी जान बचाने वाले भिड़े को ही वो क्यों फंसा रहा है? जेठालाल कुछ इंसान समझ के बाहर होते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर अब भिड़े को छुड़वाना है तो हमें सबूत ढूंढने होंगे। हाँ उसकी पूरी कुंडली निकालनी पड़ेगी। अगर हमें धनराज के बारे में कुछ जानकारी मिल गई तो फिर हम रास्ता निकाल सकते हैं ना भिड़े को छुड़वाने का कुछ। लेकिन मेहता साहब हमारे पास वक्त बहुत कम है, उसकी कुंडली हमें आज के आज निकालनी होगी। अरे भाई मैं पत्रकार कब काम आऊंगा, धनराज की क्या उसके पूरे खानदान की कुंडली निकाल कर ले आऊंगा। पटलाल हमें सिर्फ धनराज की कुंडली निकालनी है भाई, उसके पूरे खानदान की नहीं निकालनी है। हाँ बापू। नहीं नहीं आती भाई, खानदान की भी कुंडली निकालने दीजिए, क्या उसकी बेटी बेटी हुई तो रिश्ते की बात चला सकता है ना पोपटलाल। जेठालाल मुझे उस लुच्चे लफंगे की बेटी से शादी नहीं करनी,
पोपटलाल अपराधी की संतान भी अपराधी हो ये जरूरी तो नहीं है ना। अच्छा मेहता साहब अभी भिड़े को लॉकअप से निकलना जरूरी है कि इसकी शादी करानी जरूरी है? तो शादी के बाद मैंने थोड़ी की जेठालाल, तुमने ही बोला ना कि खानदान की कुंडली निकाल दो, कोई लड़की होगी तो पोपटलाल की शादी हो जाएगी। अरे भाई वो तो मैं कटाक्ष में बोला था। अच्छा जेठालाल ये कटाक्ष करने का समय है? तो क्या तुम्हारी शादी की बात करने का समय है? अरे भाई वो बात भी तुमने ही निकाली थी, मैंने थोड़ी बोला था। अरे भाई गलती हो गई, सॉरी। अभी फटाफट तुम जाओ और धनराज की कुंडली निकाल के लेके आओ। चलो चलो सोनू दिक्का का मन पसंद जूस तैयार है। और गोली दिक्का तुम्हें नहीं पीना है, कह देती हूँ। भीड़े बहन अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, भीड़े भाई जल्दी छूट जाएंगे। लीजिए ये गर्मा गर्म नाश्ता कर लीजिए। थैंक यू दया भाभी पर मुझे भूख नहीं है। सोनू ले तो खा ले। नहीं टप्पू मेरा अभी मन नहीं है। भीड़े बहन समझ सकती हूँ, चिंता तो होगी पर खाना नहीं खाने से चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। और खाली पेट तबियत पर भी असर पड़ेगा सोनू, थोड़ा खा लेना प्लीज। हाँ, प्लीज, प्लीज। और सोनू याद है ना दादाजी ने क्या कहा था कि हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और अगर तू कुछ खाएगी नहीं तो पढ़ाई पे कैसे ध्यान जाएगा? हाँ बेटा, भीड़े बहन आप एक थोड़ा खा लीजिए ना प्लीज। है भाभी मेरी कुछ इच्छा ही नहीं है खाने की प्लीज। आंटी आंटी जूस तो पी लीजिए, ये लीजिए। नहीं बड़ा नहीं, ये इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक की भलाई का ये फल? अरे एक रुपया भी मिला ना रास्ते पर तो ये दान पेटे में डालते हैं। से सच्चे इंसान पर चोरी का इल्जाम? बहन देखिए समय कभी कभी हमारी अग्नि परीक्षा लेता है, पर भेड़े भाई शुद्ध सोने की तरह तप कर अपनी सच्चाई की चमक के साथ बाहर जरूर आएंगे। हाँ माधवी आंटी, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है कि भीड़ अंकल सच्चे साबित होंगे। मेरी बहन थोड़ा नाश्ता कर लीजिए ना, थोड़ा जूस। हाँ ये ले जूस पी ले थोड़ा। अब तक तो इन्होंने भी खाना नहीं खाया होगा, मैं इनके लिए खाना बनाकर लेकर जाती हूँ। हाँ मैं भी आती हूँ। अरे नहीं बड़ा, बाबा तुझे वहां देखेंगे तो भूख हो जाएंगे बेचारे, और तू भी बाबा को लॉकअप में नहीं देख पाएगी। नहीं 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 सोनू चिंता मत कर, तुम्हारे पापा जल्दी आ जाएंगे। दिक्का भीड़े बहन आप नाश्ता करके तैयार हो जाइए, तब तक मैं खाना बना देती हूँ, फिर हम भीड़े भाई को खाना देने जाएंगे। हाँ माधवी आंटी प्लीज थोड़ा खा लीजिए ना आंटी प्लीज। सोनू 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 खा लेना प्लीज। सोनू प्लीज 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 आराम से सोनू बैठ 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 आराम से। क्यों क्यों मैंने ड्रिंक करके ड्राइव किया? हाथ से बंद। वेरी गुड भाई साहब, आपने ड्रिंक बंद करने का अच्छा फैसला लिया। वेरी गुड। हाथ से ड्राइविंग बंद, ड्रिंक नहीं। अरे तू बड़ा बेवकूफ यार। देखिए आप उसे तमीज से बात कीजिए। अरे 125 करोड़ का सोना लूट कर अंडरग्राउंड हो जाने का था। अरे अंडरग्राउंड होता था ये तू आजाद घूमता था क्या? देखिए मैंने वो सोना लूटा नहीं है। ए बैटरी, पुलिस के सामने बोलने वाला डायलॉग अपन की बिरादरी वाले के सामने मत सुना। अपनी बिरादरी? हाँ भाई 1 लाख रुपए के ऊपर की चोरी तो कभी हमने भी नहीं की। ये बैटरी बड़ी चोरी का टिप तू अपन को देना। अरे अब करेगा ना? हाँ, और उसमें से 40% कमीशन अपन तेरे को देगा। हाँ, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ क्या समझ रखा है? मैं एक शिक्षक हूँ शिक्षक। फिर तो अपन मुझे जगह तो क्या है, आपने भी बहुत सारे बच्चों को चेन खींचने का, पॉकेट मारने का, चोरी करने का ट्रेनिंग दे रहा है। फिर तो आपने भी बड़ा शिक्षक है भाई। इस संसार में कौन शिक्षक नहीं है भाई, मैं भी अपने बच्चे को खुद पढ़ाता हूँ। देख देख बैटरी ये भी शिक्षक निकला, आजकल तो सब शिक्षक है। देवा कहाँ फंस गया मैं? ये बैटरी अपन को ठीक देगा ना तू? देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ मुझसे तमीज से बात कीजिए आप। तो
पाटिल साहब ये ना एक बैटरी। ओ बगा ना, ये कब से मुझे चिढ़ा रहा है बैटरी बैटरी करके। ए, चलो चुपचाप बैठो उधर, वरना पांडे सर को मालूम पड़ा ना तो स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। चला तुम्ही पण बसा। ओ मैडम किधर किधर? वो इनके लिए खाना लेके आए पति है ना मेरे। मैडम ऐसे खाना नहीं दे सकते आप। क्यों क्यों नहीं दे सकते भाई? ऐसा कानून है। अरे हद है, एक तो आपने मेरे ईमानदार बेकसूर पति को लॉकअप में बंद कर दिया है, ऊपर से घर का खाना भी नहीं देने दे रहे। देखिए मैं मेरे पति को खाना खिलाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। माधवी तुम भी थम्बा हो। भीड़े बहन भीड़े भाई को खाना खिला के ही जाएंगे बस। देखिए अब बिना परमिशन के खाना नहीं खिला सकती। अरे कमाल है, मेरे पति को खाना खिलाने के लिए मुझे किसी और की परमिशन लेनी पड़ेगी? ऐसा कैसा कानून है? अरे सर आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया है। दो एकदम तगड़े केस आए हैं, एक ड्रिंक एंड ड्राइव का केस आया है और एक है सोने की चोरी का केस। नहीं नहीं पंडित साहब, भीड़े भाई ने सोने की चोरी नहीं की है। हाँ। सर मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। दया बहन मैंने ये नहीं कहा कि गोकुल धाम के सेक्रेटरी ने सोने की चोरी की है, मैंने ये कहा कि सोने की चोरी का केस आया है। तुम्हारी दोस्ती पुलिस स्टेशन के बाहर है, पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं, समझा? और आप ताना मारा ना तो डंडे मारूंगा। हा? पांडे तू मुझे डंडा मारेगा? हाँ डंडा मारूंगा, अभी तूने कहा ना दोस्त दोस्त ना रहा तो दोस्ती खत्म, डंडे खा। इमोशनल ब्लैकमेल करता है। ये सोना चुराने से पहले सोचना चाहिए था। चोरी का केस तो इस पर है। नहीं मैंने कोई चोरी नहीं किया, तू क्या कैसे बोल सकता है? मैंने चोरी की है। आपको बुला नहीं मारना कि क्या है? मैंने सोने के नाम पे पैसा ले लिया, ऐसे कोई करता है क्या? वो आपने भी जान के है, जान के जान लो, जान लो। वैसे आप दोनों पुलिस स्टेशन में क्यों? अरे मेरे पति आपके पास है। हां तो मैं इनके लिए खाना लेकर आई हूं। ओ लेकिन ये हवलदार भाई मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि परमिशन लेनी पड़ेगी। हां ये ईमानदार पुलिस वाला है, राइट? ये बाहर का कुछ भी नहीं खा सकता, सिर्फ हवालात की हवा खा सकता है। पंडित साहब कोर्ट तो चेक सोमवार को खुलेगी, तब तक बेचारे भेड़े भाई परमिशन के बगैर भूखे रहेंगे। देखिए इनको बिल्कुल भूखे रहने की आदत नहीं है, ये तो उपवास के दिन भी साबूदाना खिचड़ी साबूदाना वड़ा साबूदाना की खीर। मैडम कोर्ट की नहीं पांडे सर की परमिशन लेनी पड़ेगी। ले, तो पांडे सर मना थोड़ी करेंगे, वो तो है ही करेंगे ना, वो तो बहुत दयालु है ना। पांडे जी प्लीज। हाँ, हाँ जाइए आप लोग अंदर दे दीजिए खाना। थैंक यू पांडे साहब, हम सबके लिए खाना लाए हैं तो आप भी थोड़ा खाना लीजिए ना। अरे नहीं नहीं नहीं, वो क्या है बासुंदी के मैके से ना चावल की खिचड़ी आई है, और बासुंदी के मैके का चावल बड़ा प्रसिद्ध है। वहाँ देखो चावल की बर्फी, चावल का समोसा, चावल का वड़ा, चावल का लड्डू, सब कुछ खाने के बाद चावल की मुखवास भी बनती है वहाँ पर। नसीब मानिए सर, बासुंदी भाभी के मायके में चावल की खेती है। जरा सोचिए अगर मिर्ची की खेती होती तो मिर्ची की बर्फी खानी पड़ती। मजाक उड़ाता है। आप ले जाइए खाना, कहीं ठंडा ना हो जाए। जाइए जाइए। थैंक यू थैंक यू। रुके आप अंदर नहीं जा सकते। तो मैं जाऊं बाहर? नहीं नहीं आप अंदर खाना दे दीजिए। अच्छे से खा लीजिए। हाँ माधवी सोनू को सब पता चल गया? हाँ बेचारी सोनू, उसे कितना टेंशन हो रहा होगा। आहो वो समझदार है, अभी आप उसके बारे में मत सोचिए, खाना खा लीजिए, आपके पसंद की सब्जी बनाई है। माधवी खाना खाने का मन नहीं हो रहा है। देखिए आपको मेरी कसम है, आपको खाना पड़ेगा। खत्म। तुमने और सोनू ने खाना खाया? हाँ पक्का? हाँ हाँ भीड़े भाई भीड़े बहन और सोनू ने दोनों ने खाना खा लिया, आप खाना खा लीजिए। चलिए मैडम आप वहाँ बेंच पे बैठिए। चलिए मैं खा तो मैं खा। आप लोग चाहो तो मेरे साथ खाना खा सकते हैं। अब भी आइए।
बासुंदी के मैके का चावल, उसकी बनी हुई खिचड़ी, क्या बात है। तो मस्त है, बढ़िया गाना, तुम बढ़िया गाना है। क्या बात है, ऐसा खाना तो कभी खाया नहीं है? क्या स्वादिष्ट खाना। बासुंदी को धोखा नहीं दे सकते, बासुंदी के मैके के चावल की खिचड़ी तो खाना ही पड़ेगा ना। लेकिन इन लोग का भी अच्छा ही है। हाँ कदम बोलो, धनराज के बारे में कोई खबर मिली क्या? वो पीता है? अरे उस बात से, इस केस से क्या संबंध है कदम? ऐसा कोई सबूत नहीं है जो इस केस में मदद कर सके। ओ ठीक है, तुम उस पर नजर रखना। जय हिंद। थैंक यू कदम, थैंक यू। लगता है सोने की चोरी में बीड़े लंबा जाएगा जेल में। सलामी थे। ठीक है। वाह बहन जी, क्या मस्त खाना था। हाँ, नमक मिर्च मसाला एकदम सब बराबर। भगवान करे जब तक हमको जमानत ना मिले, बीड़े भाई को भी जमानत ना मिले। ये बीड़े भाई का ही नमक खाते और उनके बारे में ही बुरा सोच रहे हैं। नहीं नहीं बहन जी, हम इनके लिए बुरा नहीं सोच रहे, हम हमारे लिए अच्छा सोच रहे। हाँ, अभी क्या है, ये जितने देर इधर रहेंगे अपन को रोज टेस्टी टेस्टी खाना मिलेगा। क्या ए, मैं खिलाऊं तुमको टेस्टी खाना? नहीं नहीं। दया बहन, राजीव बहन, अगर आपका खाना खजाना हो गया हो तो शाम का खाना भी तो बनाना है ना। पाटी जी, दो मिनट में इनसे बात कर सकती हूँ प्लीज? सिर्फ दो मिनट। थैंक यू, थैंक यू। आओ, आप चिंता मत कीजिए, अब जल्दी ही घर वापस आ जाएंगे। भीड़े भाई, आपके दोस्तों ने तय कर लिया है, आपको कोर्ट जाने से पहले ही छुड़ा लेंगे, वो भी सम्मान के साथ। जानता हूँ माधवी, जानता हूँ। और माधवी, तुम भी चिंता मत करना, मान लेना कि हमारे जीवन को एक सूर्य ग्रहण लगा है, और सूर्य ग्रहण ज्यादा देर नहीं टिकता। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गोकुलधाम के दोस्त मुझे जल्दी छुड़वा लेंगे। मेरी माँ हमेशा कहती है, दोस्त अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भीड़े भाई, आप बेकसूर हो, ये जल्दी साबित हो जाएगा। और पोपट भाई, धनराज भाई के बारे में सब पता लगा नहीं जा रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। वाह, दो मिनट का ढाई मिनट हो गया है, प्लीज कोऑपरेट द मुंबई पुलिस। अभी तुमने खाना खाया तो थोड़ा आराम भी तो करना चाहिए ना, जाकर आराम करो ना। थैंक यू, थैंक यू। खम्मागणी, मारो नाम सेठ हीराचंद सोनाचंद चांदी वाला है। धनराज, तूने मारे दोस्त को फसायो है ना, अब देख मैं कैसे तेरी दुनिया हिलाता हूँ। तू तो गयो बारा के भाव से। लीजिए, पत्रकार पोपटलाल बन गए जासूस पोपटलाल। जरूरी भी है क्योंकि प्यार और जंग में सब कुछ जायज, और यहाँ तो मसला दोस्ती का है, वहां सब कुछ जायज है साहब। और क्यों ना बने जासूस, क्योंकि अगर सांप को बिल से बाहर निकालना हो तो सपेरे को बीन बजानी ही पड़ती है, और अगर किसी का भेद खोलना हो तो भेष बदलना ही पड़ता है। इसलिए पोपटलाल ने भेष बदल लिया है। लेकिन आप पोपटलाल की आदत तो जानते हैं, वो बात बात पे दुनिया हिलाते हैं। अगर कहीं पकड़ गए
तो हम सबकी दुनिया हिल जाएगी, क्योंकि इंस्पेक्टर पांडे की चेतावनी तो आपको याद ही है ना, उन्होंने धनराज से दूर रहने को कहा था। लेकिन अब देखना यह है कि पोपटलाल क्या ये भेद खोल पाते हैं या वो बदले गए भेस में पकड़े जाते हैं। अगर पोपटलाल पकड़े गए तो हम सब भी पकड़े जाएंगे, क्या होगा। लेकिन जो भी होगा, कल आप अपनी जगह पकड़ के बैठिएगा, क्योंकि इस पकड़ा पकड़ी के खेल में बड़ा मजा आने वाला है जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए अस्त। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.